लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यूनिंग किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों 27-28 तारीख को होने वाली है IPL 2018 की नीलामी की शुरुआत, और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन खिलाड़ियों को IPL की इस नीलामी में खरीदने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, किस तरह की इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी रहने वाली, और किस तरह की ड्रीम टीम का सपना ये पूरी नीलामी के बाद देख रहे हैं इस पूरी नीलामी प्रक्रिया के बाद। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से विदेशी ऑलराउंडर और बल्लेबाज हैं जिन पर बोली लगाने की कोशिश किंग्स इलेवन पंजाब की टीम कन्फर्म्ड करने वाली है। वो है दोस्तों बेन स्टोक, क्रिस लिन, जो रूट, फाफ डुप्लेसिस, क्विंटन डीकॉक, एरन फिंच और कॉलिन डी ग्रैंडहोमे। इन 7 खिलाड़ियों पर कन्फर्म्ड बोली लगाने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। इनकी दोस्तों कई सारी हॉट पिक्स की चॉइस रहने वाली है जिनमें बेन स्टोक, क्रिस लिन और जो रूट शामिल हैं। इन्हें यह हॉट पिक के रूप में अपनी टीम में ले सकते हैं। 7 खिलाड़ियों में इनकी कोशिश रहेगी कि ये 3 या 4 खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश अपनी टीम में करें। अब बात करते हैं दोस्तों विदेशी गेंदबाजों की, तो मिचेल स्टार्क, मिचेल मैकलेनगन, कगिसो रबाडा, मुस्तफिजुर रहमान, टिम साउथी, उसके अलावा इमरान ताहिर और एडम जेम्पा, इन 7 अलग अलग विदेशी गेंदबाजों पर बोली लगाने की कोशिश करने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। ये लगभग कन्फर्म्ड है। इनकी जो हॉट पिक यहाँ पर रह सकती है वो हो सकती है कगिसो रबाडा। हालांकि दोस्तों मिचेल स्टार्क भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उन पर लगभग हर टीम बोली लगाने वाली है। इन 7 खिलाड़ियों में इनकी कोशिश रहेगी कि ये 2 या 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम में खरीदने की कोशिश करें। इस तरह से दोस्तों इन 14 अलग अलग विदेशी खिलाड़ियों में किंग्स इलेवन पंजाब चाहेंगे कि इन 14 बोलियों में से 5 या 7 खिलाड़ियों को, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जो है वो खरीद लें। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों की, और भारतीय बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स की बात करें तो गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, युवराज सिंह और हरभजन सिंह, इन 6 खिलाड़ियों पर कन्फर्म्ड बोली लगाने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, जिनमें दोस्तों गौतम गंभीर और युवराज सिंह इनकी हॉट पिक रहने वाली है। ये लगभग कन्फर्म्ड है कि ये युवराज सिंह पर फुल ऑन जा सकते हैं। इन 6 खिलाड़ियों में दोस्तों इनकी कोशिश रहेगी कि ये 2 या 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम में खरीद लें। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की, तो ज़्यादा चॉइसेस है नहीं। रजनीश गुरबानी, पीयूष चावला, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, अमित मिश्रा और रविचंद्रन अश्विन, इन 6 भारतीय गेंदबाजों पर नज़रें रहने वाली है किंग्स इलेवन पंजाब की इस पूरी बोली की प्रक्रिया में, और इन 6 खिलाड़ियों में से इनकी कोशिश रहेगी कि 2 या 3 खिलाड़ियों को ये खरीद लें। यहाँ पर दोस्तों इनकी कोई भी हॉट पिक नहीं रहने वाली, और इस तरह से 12 अलग अलग भारतीय खिलाड़ियों में इनकी कोशिश रहेगी ये मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जो है वो खरीद लें। दोस्तों इनकी ड्रीम टीम की बात करें तो इन्होंने 1 खिलाड़ी अक्षर पटेल को पहले ही रिटेन कर लिया है। इनके पास 3 RTM कार्ड है जिस पर वो मार्कस स्टोनिस, संदीप शर्मा, मिलर या मैक्सवेल में से किसी एक खिलाड़ी, मतलब इन 3 खिलाड़ियों को ये रिटेन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैक्सवेल के चांसेस कम हैं, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदल रही है मैक्सवेल फॉर्म में वापस आते जा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो अजिंक्य रहाणे और रॉबिन उथप्पा करेंगे इनकी ओपनिंग। नंबर 3 पर क्रिस लिन हो सकते हैं, नंबर 4 पर युवराज सिंह, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर मार्कस स्टोनिस, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर रजनीश गुरबानी, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर संदीप शर्मा, नंबर 11 पर कगिसो रबाडा। इस तरह के कॉम्बिनेशन चाहती है, ड्रीम 11 चाहती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इस पूरी नीलामी प्रक्रिया के बाद। अब दोस्तों आगे देखकर ही पता लगेगा पूरी नीलामी में कि किस तरह की टीमें सभी फॉर्म हो पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों किस तरह के चेंजेस होने चाहिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन द्वारा बताई गई इस प्लेइंग 11 में? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां भी हम चैनल से जुड़ी हुई अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं।